तो आपको बता दूं, ये जो पिरामिड है वो फर्स्ट पिरामिड जो 28 एकर्स में बनी है, जो सोलली फॉर मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन के लिए फेमस है ये पिरामिड वैली। तो आज हमने सोचा कि आज संडे है और चलते हैं कुछ एक्सप्लोर करने, कोई डिफरेंट प्लेस को। तो हमने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि हम चलते हैं पिरामिड वैली, जो बैंगलोर के कनकपुरा रोड पे स्थित है। और मुझे भी थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत थी और कामनेस की ज़रूरत थी, तो हमने ये वाली जगह फाइनल किया। तो फिर हमने अपना कार उठाया और निकल पड़े पिरामिड वैली एक्सप्लोर करने। पिरामिड वैली हमारे घर से अराउंड 45 किलोमीटर पे स्थित है और हम आपको वहाँ पहुँच के पूरी जगह एक्सप्लोर करके बताते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका और एक ब्लॉग पे। आज हम जा रहे हैं पिरामिड वैली, जो बैंगलोर से मेन टाउन से अराउंड 40-45 किलोमीटर्स है, मतलब हमारे घर से। तो अभी जस्ट हम यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हो ये है सराउंडिंग इस पिरामिड वैली की। ये मोस्टली मैत्री बुद्धा मेडिटेशन सेंटर है, जो फर्स्ट पिरामिड शेप का मेडिटेशन सेंटर है। तो उसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी दिखाते हैं। पिरामिड वैली, ओके। सो ये मैत्री बुद्धा विश्वालयम प्रोजेक्ट, तो आपको अंदर भी दिखाते हैं कैसा। सो ये मैप है पिरामिड वैली का एंड दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे आज, और साथ ही आपको दिखाते हैं अंदर। ये बोटिंग वगैरह भी होता है यहाँ पे, सो आप आके यहाँ बोटिंग भी देख सकते हो। डीप है पानी। फिलहाल अभी हमने डिसाइड किया कि पहले कैफेटेरिया जाएंगे, ऑलरेडी भूख बहुत तेज लगी है। पहले कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाते हैं पूरा। बट प्लीज शांत, आप अगर मतलब ऐसे अकेले आ रहे हो तो मजा आने वाले जगह में। दिस इज कैफेटेरिया। तो है यहाँ का वेजिटेरियन कैफेटेरिया है, ऑब्वियसली यहाँ मेडिटेशन सेंटर है तो वेज रहेगा। और ये आप देख सकते हो वेजिटेरियन वर्ल्ड। ओके, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है खाने को। रोटी, कोल्ड लंच, मिक्स वेज, सारे चीज अवेलेबल है यहाँ पे मेन्यू में, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने अभी दाल तड़का, राइस और वाटरमेलन जूस लिया, और कुछ ऑप्शंस थे अवेलेबल तो हमने यही लिया अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी पेड़ मिल जाएंगे, हो सकता है कि ये 100-100 सालों के पेड़ है, जो पता चलता है उसके स्केल्स बाहर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये जो पिरामिड है वो फर्स्ट पिरामिड जो 28 एकर्स में बनी है, जो सोलली फॉर मेडिटेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ से वो पिरामिड दिख रही होगी, ये पिरामिड है जो उसी ओनली फॉर मेडिटेशन बना है, और ये अराउंड 100 फीट का है। और इसमें लाइक पूरी ये 28 एकर्स की जो लैंड है, आपको मेडिटेशन सेंटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन होते हैं, जब फुल मून होता है उसमें भी आप आके यहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। तो यस, बहुत काम, कूल, नाइस प्लेस है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए।
तो ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, ये ऊपर ले जाती है, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए, तो जैसे किंग्स चैम्बर लिखा था नीचे, तो ऊपर जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। लाइक लिखा है कि 30 मिनट्स मिनिमम बैठना, बट हम तो 15 मिनट बैठे फिर नीचे आ गए, बट ऊपर देख सकते हो लोग बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। ये काफ़ी अराउंड चार फ्लोर के ऊपर है ये। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह मिलता है, इवन लाइक कुछ मोमेंटोज या हैंडीक्राफ्ट टाइप पे भी आप देख सकते हो मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी सारे वो सब चीज प्रेजेंट है। तो पूरे दिन की मेहनत खत्म करके हम लोगों ने अभी वापस आने का डिसाइड कर लिया। पिरामिड घूम लिया, अच्छा लगा, बहुत मेडिटेशन किया मैंने आज। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अपने आप से मैं बात कर सकता हूँ अभी जाके। बट अभी जैसे हमने शहर के अंदर कदम रखा वापस से, वो ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया और ट्रैफिक को हम लोग चीरते हुए अभी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर आज पिरामिड वैली घूमने में मेरे साथ मजा आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।